हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म मैरिज स्टोरी, जिसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज नहीं किया गया। वेल, तो क्या खास है इस फिल्म में जिस वजह से आपको ये फिल्म बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, चलिए इस पर कुछ बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पॉइलर फ्री वीडियो है जिसमें मैं आपको बस यही बताऊंगा कि आपको ये फिल्म देखनी भी चाहिए या नहीं, और जवाब है जी हाँ। ये फिल्म 2019 की एक ऐसी लिस्ट में आती है जिसे मैं सीधे सीधे यही कहूंगा कि मस्ट वॉच। बट जी नहीं, ये फिल्म सभी ऑडियंस के लिए तो बनाई नहीं गई, क्योंकि पूरी फिल्म बहुत ही ज्यादा स्लो ट्रैक पर चलती है जिसे हम ड्रामा कहते हैं, और इन सभी के बीच हमें फिल्म में रोमांस, कॉमेडी और इमोशंस का तड़का देखने मिलता है, जिन सभी को मिलाकर ये कंप्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म बन जाती है। बट जैसे कि मैंने कहा, यह फिल्म सभी ऑडियंस के लिए नहीं है, खास करके मासेस ऑडियंस तो इस फिल्म से कोसों दूर रहे। लेकिन हाँ, अगर आप इस फिल्म के दो लीड एक्टर्स स्कारलेट जॉनसन और एडम ड्राइवर के फैन हैं, तो ये फिल्म आपको दोनों ही एक्टर्स की बेस्ट परफॉर्मेंस देती हुई फिल्म नजर आएगी, और ये भी बताएगी कि ये दोनों कितने ज्यादा टैलेंटेड हैं और कितने ज्यादा बेस्ट अपने इस काम में। इसके अलावा अगर कोई दूसरी तारीफ बनती है तो वो तारीफ है फिल्म के डायरेक्टर राइटर नोहान बॉम्बिच की, जिनके दिमाग से इस फिल्म का आइडिया निकला है कि एक्चुअल में मैरिज लाइफ में डिवोर्स का पोर्शन कितना ज्यादा टफ होता है, जिसके डिसीजंस उस फैमिली पर कितने ज्यादा भारी पड़ते हैं। लेकिन ये फिल्म डिवोर्स के बस उस एंगल पर नहीं चलती जहां आपको देखने के लिए ये मिलेगा कि फैमिली में इस प्रॉब्लम की वजह से डिवोर्स हो रहा है, बल्कि ये बताया जाएगा कि डिवोर्स के टाइम पर किस तरीके से लॉयर्स भी आपका फायदा उठाते हैं, जो कि इस फिल्म में लूरन डेन और रे लियोटा करते हुए नजर आते हैं। यानी वो लोग डिवोर्स के इस पूरे के पूरे सेंसिटिव इश्यू को इतना ज्यादा मजाक बनाकर रख देते हैं, जिससे लोगों को अगर उस तकलीफ से गुजरना पड़े तो सच में वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि कानून कायदे ही उतने ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर आप फिल्म की दो कास्ट से हटकर ये पूछोगे फिल्म में सबसे ज्यादा दमदार परफॉर्मेंस किसकी थी, तो यहाँ पर मैं बात करूंगा एलन एल्डा की, जो फिल्म में हमें ज्यादा तो नजर नहीं आए, लेकिन जितने भी आए उनका स्क्रीन प्रेजेंट हमें स्क्रीन पर बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि जिस तरीके की नेचुरल एक्टिंग उन्होंने अपने उस एडवोकेट के कैरेक्टर को लेकर की है वो काबिले तारीफ है। और फिल्म के बाकी के प्लॉट की बात की जाए तो चार्ली और निकोल के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है उनका बेटा हेनरी बाबर, जिसकी कस्टडी किसके हाथों में आएगी, और उनके डिवोर्स की वजह से प्रॉब्लम उनके बच्चे को ना झेलनी पड़े, जिस कैरेक्टर का रोल इस फिल्म में प्ले किया है एजी रॉबर्टसन ने, सच में उनकी परफॉर्मेंस भी फिल्म में अच्छी है। इनफैक्ट जितने भी एक्टर्स इस फिल्म में लिए गए हैं सभी ने अपना रोल बहुत ज्यादा अच्छा किया है, यानी नेचुरल वेव में। और ये फिल्म इन्हीं सभी चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस रखती है। और हाँ, फिल्म को जिस तरीके से डायरेक्ट किया गया है उसे हम सीधे सीधे यही कह सकते हैं कि पूरी फिल्म को ज्यादातर तो लॉन्ग टेक में ही रखा गया है, जहाँ पर एक्टर्स को ये दिखाने मिलता है कि वो वन टेक में उस कैरेक्टर को कितनी अच्छी तरीके से जी सकते हैं, वो भी बिना किसी कट के। तो अब जबकि फिल्म इतनी ही ज्यादा अच्छी है तो वीडियो को ज्यादा लंबा कर तो कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए मैं सीधे सीधे आ जाता हूँ फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ एक्शन, हॉरर और सस्पेंस की, तो तीनों ही चीजें फिल्म में है नहीं, इसलिए इन चीजों को हटाकर दो कैटेगरी की बात कर लेते हैं जिनमें ये फिल्म पूरी तरीके से चलती है। और इसमें मैं बात करूं अगर कॉमेडी की, तो कॉमेडी फिल्म में है, वो भी फिल्म के कुछ फर्स्ट हाफ तक, फिल्म के स्टार्ट के 40 से 30 मिनट तक, उसके बाद पूरी की पूरी फिल्म बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है। और हाँ, इसके अलावा फिल्म में जिस तरीके से स्टार्ट में दो कैरेक्टर्स की पूरी बैक स्टोरी दिखाई जाती है कुछ सीन्स और डायलॉग्स को बोलकर, वो टेक्निक भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, जिसमें सबसे ज्यादा खास बात ये थी कि स्कारलेट जॉनसन के कैरेक्टर निकोल की पूरी डिटेल एडम ड्राइवर का कैरेक्टर चार्ल्स देता है, और चार्ल्स की पूरी डिटेल स्कारलेट जॉनसन का कैरेक्टर निकोल, वो भी सिर्फ यही बताने के लिए कि दोनों ही एक दूसरे को कितना ज्यादा समझते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग अब इस डिवोर्स के लेवल पर है, जो सिर्फ और सिर्फ शक की वजह से शुरू होता है। तो अब आ जाते हैं कॉमेडी की रेटिंग पर, जो कि मेरी नजर में होगी 1.5 स्टार की। और अब बात करें ड्रामा की, तो ड्रामा को मैं दूंगा 5 out of 5 स्टार, जी हाँ, क्योंकि ये फिल्म इस रेटिंग को डिजर्व करती है। इसके बाद आ जाए मासेस ऑडियंस पर, तो जैसे कि मैंने कहा, ये फिल्म मासेस ऑडियंस के लिए तो बनाई नहीं गई, और उनकी नजर में इस फिल्म की रेटिंग होगी C- की। और बात करें क्रिटिक्स और मेरी, तो क्रिटिक्स को भी ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, और मुझे भी, जिसके चलते मैं इस फिल्म को दूंगा A+। और आपसे जाते जाते यही कहूंगा कि अगर आप 2019 की एक अच्छी ड्रामा फिल्म देखना चाहते हैं तो मैरिज स्टोरी एक परफेक्ट फिल्म होगी। वेल, तो ये थी मेरी राय फिल्म मैरिज स्टोरी को लेकर। तो अब आपकी क्या राय है इस जबरदस्त फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे तो इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वेल, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।